दोस्तों, अगर आपके पास भी है Redmi Note 10 Pro या तो Redmi Note 10 Pro Max मोबाइल, लेकिन आपको उसमें जो है हैंगिंग प्रॉब्लम आ रहा है, आप जैसे ही कोई एप्लीकेशन को ओपन कर दो तो वहाँ पे बहुत लेट से ओपन होता है, या तो कोई चीज़ आप वहाँ पे टाइपिंग कर दो तो वो टाइपिंग भी बहुत स्लो होता है, मतलब आपका मिला जुला के हैंग कर रहा है मोबाइल, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। मैं आपको कुछ सेटिंग्स बताने, मतलब 5 सेटिंग्स बताऊंगा, और हो सकेगा तो मैं बोनस सेटिंग्स भी आपको कुछ बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन 5 सेटिंग्स आपको ऐसा मैं बताऊंगा जिससे आप अपने Redmi Note 10 Pro या तो Redmi Note 10 Pro Max मोबाइल का हैंगिंग प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकते हो। आपका मोबाइल जो है बहुत ही स्मूथली चलेगा और आपका मोबाइल बहुत फास्ट चलने लगेगा, ठीक है। जो सेटिंग आपको बताऊंगा अगर आप उसको फॉलो करते हो तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको आगे भी इस टाइप का वीडियो सब देखने को मिलता रहेगा। अगर आपका कोई और प्रॉब्लम है Redmi Note 10 Pro या तो Redmi Note 10 Pro Max मोबाइल में, तो नीचे कॉमेंट करके जरूर से लिख दीजिए, मैं आपके लिए वीडियो बना करके अपलोड करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको कुछ बताना चाहूँगा। हम लोग क्या करते हैं कि सोचते रहते हैं कि कहीं से कुछ ऐसा टेक्निक मिल जाए जहाँ से 10 मिनट काम करके, आधा घंटा काम करके 2 से 3 हज़ार रुपये मिल जाए, जो पॉकेट मनी हो जाए, मोबाइल रिचार्ज करने के लिए पैसा हो जाए, बाइक चलाते हैं तो उसमें पेट्रोल डालने के लिए पैसा मिल जाए। तो आज मैं आपके लिए इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आया हूँ। आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन ओपन करना है, वहाँ पर एक लिंक आपको मिल जाएगा अपने स्टॉक एप्लीकेशन का। आपको सिंपल वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल में, और वहाँ पर आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट लिंक करके एक अकाउंट बना लेना है। फिर आपको करना क्या है, अपने स्टॉक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, वहां पे आपको रेफर एंड अर्न वाले ऑप्शन पे जाना है, और वहां से अपने उस एप्लीकेशन को रेफर करना है सारे दोस्तों के साथ में। अगर एक दोस्त को भी रेफर करके अकाउंट बनवा देते हो अपने स्टॉक में, तो आपको 500 रुपये अपने स्टॉक की तरफ से मिल जाएगा, जो आप अपने बैंक अकाउंट में बहुत ही आसानी से ट्रांसफर कर सकते हो। मैंने बहुत सारा पैसा कमाया है, लगभग 2-3 अकाउंट मेरे पास है जिसमें मैंने अलग अलग बहुत सारा पैसा कमाया है। एक नया अकाउंट में देख सकते हो मैंने कितना सारा पैसा कमाया है, लगभग 3,000-3,500 के आसपास अभी भी इस पर पैसा है। तो आपको करना क्या है, जल्दी से लिंक पर क्लिक करना है, एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, वहां से आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट लगा करके अकाउंट बना लेना है। इसमें एक चीज मैं बता दूं कि बहुत सारे लोगों के पास पैन कार्ड नहीं होता है, तो अगर आपके मम्मी के पास है तो आप मम्मी का भी लगा सकते हो। उसमें आपका जिसका पैन कार्ड होगा उसी का ही बैंक अकाउंट और उसी का आधार कार्ड भी होना चाहिए, तभी जाकर के अकाउंट बनेगा। बस आपको अकाउंट बनाना है और अपने उस एप्लीकेशन को रेफर करना है सारे दोस्तों के साथ में। अकाउंट अपने दोस्तों को भी बनवाइए, आपको पर अकाउंट पे, पर रेफर पे 500 रुपये मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि आपको कितना सारा पैसा आप स्टॉक दे रहा है। तो बहुत ही कमाल का ये एप्लीकेशन, इसको जल्दी से इंस्टॉल करिए और बहुत सारा पैसा कमाइए। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं कुछ चीज़ बताना चाहूँगा जिससे आपका फ़ोन जो है बहुत ही ज़्यादा स्मूथली चलेगा। देखिए, अगर आपके फ़ोन में जो स्टोरेज जो मिलता है उस स्टोरेज पे आपको ज़्यादातर ध्यान देना होता है, तब जाकर के आपका फ़ोन जो है अच्छा से वर्क करता है, हैंग नहीं करता। क्योंकि आपके फ़ोन में जो रोम होता है उस रोम में अगर आप 60-70% स्टोरेज फुल कर देते हो तो आपका फ़ोन हैंग करने लगता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो स्टोरेज है उसमें कम से कम 40% या तो 30% ही भर के रखिएगा, तब जाकर के आपका फ़ोन स्मूथली चलेगा। ये मैंने कुछ टिप्स आपको दे दिया है, तो इस पर आपको ध्यान देना है, मतलब स्टोरेज पर आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको एक सिक्योरिटी वाला एप्लीकेशन मिल जाता है आपके फ़ोन में, मिल जाएगा, सिंपल उसको ओपन कर लेना है, ठीक है। और ओपन करने के बाद में यहाँ पर एक ऑप्टिमाइज का ऑप्शन मिल जाता है, तो दिन में आपको 3 से 4 ऑप्टिमाइज करते रहना है, इससे आपका जो फोन है स्मूथली चलेगा। यहाँ पे देखिए ऑप्टिमाइज का एक ऑप्शन है, तो इसको ऑप्टिमाइज करते रहना है, इससे आपका जो भी कैचे होते हैं वो क्लियर कर देता है, ठीक है। तो मैं भी करता हूँ, मेरा फोन बहुत अच्छा वर्क करता रहता है। और आगे और भी बहुत सारा सेटिंग है जो अब बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है, ठीक है, उसको आपको ध्यान देना है। सबसे पहले यहाँ पे बता दूँ आपको करना क्या है, सेटिंग्स में आ जाना है, ठीक है। सेटिंग्स में आने के बाद में स्क्रॉल करके नीचे आना है, सबसे पहले आपको अबाउट सेक्शन में आना है। अबाउट सेक्शन में आने के बाद में यहाँ पे MIUI वर्जन मिलता है, इस पर आपको एक साथ क्लिक करना है 6 से 7 बार। जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको डेवलपर ऑप्शन ऑन कर देगा, ये आपको मिलेगा कहाँ पे, मैं बता देता हूँ। बैक आना है फिर यहाँ पे, पहले आपको अबाउट सेक्शन में आकर के ये ध्यान दीजिएगा MIUI वर्जन जो है इस पर 6-7 बार एक साथ क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फिर से आपको सेटिंग्स को ओपन करना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद में स्क्रॉल करके नीचे आना है, फिर आपको यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद में नीचे स्क्रॉल करके आना है, यहाँ पे तो एक डेवलपर ऑप्शन का आपको यहाँ पे फीचर मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको सबसे नीचे स्क्रॉल करके आना है, ठीक है। यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आते हो तो एक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, बेसिकली 3 ऑप्शन मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, जिससे आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा फास्ट होने वाला है। तो यहाँ पे देखना है कि वो ऑप्शन है कहाँ पे, चलिए नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद में देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको मिल जाता है, विंडोज़, एनिमेशन स्केल,
ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल और एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल। अब यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे विंडोज़ एनिमेशन स्केल पे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए एनिमेशन स्केल 1x पे है, तो इसको आपको ऑफ नहीं करना है। एनिमेशन स्केल यहाँ पे 0.x पे कर देना है, 0.x पे, ठीक है, इस पर कर देना है। और उसके बाद ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल इस पर भी क्लिक करना है और इस पर यहाँ पे 0.x पे कर देना है, ऑफ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 0.x पे करना है। और उसके बाद यहाँ पे एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल जो है इस पर भी क्लिक करके 0.x कर देना है। अब अगर आप इतना कर देते हो तो आपको खुद ब खुद महसूस हो जाएगा कि आपका फ़ोन कितना ज़्यादा फास्ट हो गया है पहले से, ठीक है। आपका जो पहले स्पीड चल रहा था फ़ोन, उससे भी कई ज़्यादा स्पीड आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, फिर से स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आओगे तो एक ऑप्शन आपको और मिलेगा, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट करके एक ऑप्शन मिल जाता है, तो इस पर भी क्लिक करना है। और यहाँ पे ये बेसिकली ऑप्शन क्या है कि अगर आप अपने फ़ोन में बहुत सारे एप्लीकेशन एक साथ ओपन करते हो और उसको आप रिसेंट बार में रखते हो, क्लोज नहीं करते हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका जो रैम होता है वही प्रोसेस करता है आपके एप्लीकेशन को, तो आपके रैम पे ज़्यादा भार पड़ने के कारण से आपका मोबाइल हैंग करने लगता है। तो इसको आप नो बैकग्राउंड प्रोसेस पे भी कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे जो 8 most 2 प्रोसेस पे कर दीजिए या तो 8 most 3 प्रोसेस पे। इससे क्या होगा कि आप जो एप्लीकेशन खोलते हो, ओपन करते हो बहुत सारा, उसको रिसेंट में क्लियर नहीं करते हो, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से कर देगा। इस कारण से आपका मोबाइल बहुत ज़्यादा स्मूथली चलने वाला है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 8 most 2 प्रोसेसर में कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि 2 एप्लीकेशन रन होगा और ज़्यादा रैम पे भार नहीं पड़ेगा, इस कारण से आपका फ़ोन स्मूथली चलता रहेगा। अब यहाँ पे मैं आपको और एक ऑप्शन बता देता हूँ, उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, ठीक है। सेटिंग्स में आने के बाद में आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, तो एक ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, मैं दिखा देता हूँ। ऐप्स वाले सेक्शन पे आना है और यहाँ पे सिस्टम ऐप सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे यहाँ पे बैक आना है, यहाँ पे आपको मैनेज ऐप्स पे क्लिक करना है। मैनेज ऐप्स पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे इस 3 dot पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको शो ऑल ऐप पे क्लिक करना है। शो ऑल ऐप्स पे क्लिक करते हो तो आपके सामने जितने भी सारे एप्लीकेशन है सब देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सिस्टम UI करके आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको सिस्टम UI ढूंढ लेना है। तो चलिए मैं इसको ढूंढ लेता हूँ, सिस्टम UI कहाँ पे है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए सिस्टम UI है, इस पर क्लिक करना है। और इसको क्लिक करने के बाद में आपको स्टोरेज पे क्लिक करना है और यहाँ से इसको क्लियर कैचे कर देना है, ठीक है। क्लियर कैचे कर देते हो तो आपका फ़ोन जो है बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको और भी सारे एप्लीकेशन है जिसको क्लियर कैचे भी कर सकते हो। अब मैं आपको आगे भी और बता दूँ कि कौन कौन सा एप्लीकेशन पे करना है। तो उसके बाद यहाँ पे आप फिर से आपको सर्च करना है सिस्टम लॉन्चर जो आपके सामने ऊपर मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको स्टोरेज पे क्लिक करना है और इसका भी क्लियर डाटा कर देना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके फ़ोन में जो भी एप्लीकेशन सब जो सिस्टम पे रन करता रहता है वो क्लियर कर देगा, स्मूथली आपका फ़ोन चलने लगेगा। फिर से बैक आना है, फिर से आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, सिस्टम लॉन्चर आपको मिल जाएगा। तो चलिए मैं सिस्टम लॉन्चर को ढूंढ लेता हूँ। सिस्टम लॉन्चर आप यहाँ पर सर्च बॉक्स में लिख के भी ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए मैं सिस्टम लॉन्चर ढूंढ लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो सिस्टम लॉन्चर है, इस पर भी क्लिक करके इसको भी यहाँ पे क्लियर डाटा पे क्लिक करके इसको भी क्लियर कर सकते हो, स्टोरेज पे भी आ करके इसको क्लियर डाटा कर सकते हो। तो इतना करने के बाद में आपका फ़ोन जो है पहले से बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, ठीक है। आप इतना करके देखिए और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि पहले से आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा फास्ट होने वाला है। तो वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपका फ़ोन फिर भी फास्ट नहीं होता है, Redmi Note 10 Pro Max जो आपके पास है वो फास्ट नहीं हो पाता है, तो नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका फास्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपका कोई प्रॉब्लम है जिस पर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।